understanding. You are all intelligent. All of you are special people, and you have to work out in collective way and also individual way to show your quality of Sri Ganesh. That the rhythm of Sri Ganesha is working in him, and his understanding of music, which is one of his qualities, is that he dances on the music of which Nataraja, the father, Shiva, has taught. He dances so well, so lightly he lifts his body, and the way he works it out is amazing. How does he do it with such a short person, with such a thick legs? He is very light. And the lightness comes because of innocence. Muladhar. Om.
त्वमेव साक्षात् श्री कल्कि साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्कि साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायनी माता जी श्री तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्त्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानूचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वं आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नवः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यम् त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णु त्वं रुद्र त्वं इन्द्र त्वम् अग्नि त्वं वायु त्वं सूर्य त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरो गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वार परतरः अर्धेन्दुलसितम् तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपम् गकार पूर्वरूपम् अकार मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादः सन्धानम् सहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निजगायत्री छन्दः गणपतिर्देवता
ॐ गं गणपतये नमः। वेगदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमं कुशधारिणं रदं च वरदौ हस्तै बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तलम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पितं देवं जगत्कारणमच्युतम्। आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतिः पुरुषात्परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिना वरः। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। निश्चय प्रेम प्रतीतिते विनय करै सन्मान तेहि के कारज सकल शुभ सिद्ध करै हनुमान। जय हनुमंत संत हितकारी सुनिलिए जय प्रभु विनय हमारी जन के काज विलंब न की जय आतुर गौरी महा सुख दी जय। जैसे कूद सिंधु मही पारा सुरसा बदन पैठ विस्तारा आगे जाय लंकिनी रोका मारे हुलात गई सुर लोका। जाय विभीषण को सुख दीना सीता ने रखी परम पद लीना पादु जारी सिंधु मह बोरा अति आतुर जम का तर तोरा अजय कुमार कुमारी संहारा धूम लपेटी लंक को जारा लाह समान लंक जर गई जय जय धुन सुरपुर मह भाई। अब विलंब के कारण स्वामी कृपा करम पुर अंतर्यामी जय जय लखन प्राण के दाता आतुर होए दुख करहु निपाता। जय गिरिधर जय जय सुख सागर सुर समूह समरथ भटनागर ओम हनु हनु हनुमंत हटीले बैरी मारू बज्र की कीले गदा बज्र लय बैरी मारो महाराज प्रभु दास उबारो। ओंकार हुंकार महाप्रभु धावो बज गदा हनु विलंब न लावो। ओम हिं 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 हनुमंत कपीसा ओम हुं 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 हनु अरि उर शीसा। सत्य हो हरि शपथ पाए के राम दूत धरु मारु जाय के जय 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 हनुमंत अगाधा दुख पावत जन के ही अपराधा। पूजा जब तप नेम अचारा नहीं जानत हो दास तुम्हारा वन उपवन मग गिर गृह माही तुम्हारे बल हम डरपत नाही। पाए परो कर जोरी मनावो यही अवसर अब कही कोहरामो जय अंजन कुमार बलवंता शंकर सुमन वीर हनुमंता मदन कराल काल कुल भालक राम सहाय सदा प्रतिपालक। भूत प्रेत पिशाचिन शाचर अग्नि बिताल काल मारी मर इन्हे मार तुर शपथ राम की राघव नाथ मर जात नाम की। जनक सुता हरिदास कहावो ताकि शपथ विलंब न लावो। जय 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 धुनि होते आकाशा सुमिरत होए दुसह दुख नासा चरण शरण करी जोरी मनावो यही अवसर अब कही दोहराओ। उठ उठ चल तो ही राम दुहाई पाए परो कर जोरी मनाई। ओम चंग 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 चपल चलंता ओम हनु 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 हनुमंता ओम हंग हाक दैत कपि चंचल ओम संत सामी पराने खल दल। अपने जन को तुरत उबारो सुमिरत होय आनंद हमारो। यह बजरंग बाण जही मारे ताही कहो फिर कौन उबारे। पाठ करे बजरंग बाण हनुमत रक्षा करे प्राण की। यह बजरंग बाण जो जापे ताते भूत प्रेत सब कांपे। रूप दे जो जपे हमेशा ताके तन नहीं रहे कलेशा। प्रेम
प्रतीति ही कपी धजय सदा धरे उर ध्यान देहि के कारज सकल सुभ सिद्ध करे हनुमान सिद्ध करे ॐ शत्रुमर्दिनी नमः ॐ श्री अम्बिका देवी नमः ॐ मधुसूदनाय नमः ॐ तारकासुर संहन्त्री नमः ॐ शुंभ शुंभ संहन्त्री नमः ॐ श्री दुर्गा माता जगदम्बा नमः ॐ श्री रक्षाकरी नमः ॐ राक्षसघ्नी नमः ॐ श्री चामुंडा नमः ॐ मधुकेतभहन्त्री नमः ॐ नरकान्तका नमः ॐ भन्दासुरमर्दिनी नमः ॐ श्री शिर्दिसाईनाथ नमः ॐ श्री शिवशक्ति पुत्र कार्तिकेय नमः ॐ श्री कार्तिकेय नमः ॐ सर्वासुरमर्दिनी नमः ॐ सर्वबाधाविनाशिनी नमः ॐ सर्वसत्यगुरुमर्दिनी नमः ॐ सर्वभयहारिणीरुद्ररूपा नमः साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः There's a beautiful saying of Adi Shankaracharya, Tad Nishkala. Mano Buddhyaham Kara Chitta Ninaham Nacha Shrotra Jeeve Nacha Ghana च व्योम भूमि न तेजो न वायु चिदानन्द रूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्द शिवोऽहं शिवोऽहं न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायु न वा सप्तधातु न वा पञ्चको न वाक्पाणिपादं न चोपस्तपायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्द शिवोऽहं शिवोऽहं न मे
सच्चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुःखम न मंत्रो न तीर्थम न वेदानयन अहम भोजनम नैव भोज्यम न भोक्ता चिदानंद रूप शिवो what you are. You are eternal bliss and awareness, consciousness, pure consciousness. I think this must be, everybody must remember by heart and must say in all the ashrams, that's a very good way of remembering what you are. May God bless you. Jai Shri Mataji everyone. श्री माता जी की ऐसी मनोकंपा में इस सुंदर प्रातःकालीन बेला में हम समस्त सहयोगी जिन्होंने अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने का आशीर्वाद माँ आदिशक्ति से पाया, जिनके आत्मा को अनुभव कर सकते हैं, और आत्मा के गुणों और उसके प्रकाश में जिनके चक्र जागृत हैं, जो साक्षी बन पाते हैं महामाया की लीलाओं का,
डिटैच हो पाते हैं व्यक्तियों से, घटनाओं से, जो परमपिता और परमेश्वरी दोनों के संरक्षण में है, जिनके अंदर से परम चैतन्य बहता है, जिनके पास किसी की भी कुंडली जागृत करने की शक्ति है। ऐसे समस्त महान संतों को, न भूतो न भविष्यति घटना, आत्म साक्षात्कार को, महाअवतरण माँ निर्मला को कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। आइए आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। नववर्ष पे दिए हुए माँ के प्रवचन का अगला हिस्सा सुने और हर शब्द को अपनी एक शुद्ध इच्छा बनने दें, आत्मावलोकन करें। माँ को हमने इस आशीर्वाद स्वरूप क्या गुरु दक्षिणा दी, क्या भेंट दी, इस बारे में अवश्य आत्मावलोकन करें। क्या हमने अपनी शक्तियों का सदुपयोग किया, विश्व का कल्याण किया, या सिर्फ अपने परिवार के लिए इन शक्तियों को हमने व्यर्थ किया। परमेश्वरी हमसे क्या चाहते हैं, किस कारण से हमें सहयोग मिला है, इस बात की गहराई को अपने अंदर उतरने दें। अपने चित्त को पूर्ण रूप से बाएं हृदय में रखें, हर जगह से हटा दें। बाएं हृदय में संजो के रख देंगे अपने चित्त को, आत्मा के प्रकाश में माँ आपकी कृपा से मैं एक शुद्ध आत्मा महसूस करें, अपनी आत्मा को, चित्त और आत्मा के मिलन को महसूस करें बाएं हृदय में। माँ कुंडलिनी उठिए, जागिए और मेरी आत्मा को प्रकाशित करती थी। पूरा चित्त बाएं हृदय के अंदर, ट्रेमेंडस जॉय, दिस जॉय यू कैन नॉट गेट इन एनीथिंग एल्स। व्हाट एवर यू मे बाय, व्हाट एवर यू मे हैव, यू कैन नॉट गेट दिस जॉय ऑफ गिविंग रियलाइजेशन। And you'll be so very happy, not because you expect anything, you want anything, nothing of the kind. But only thing is pure joy of creating great sahyogis. This is what you are there. This is what the divine wants you to do. Not just to take advantage of divine power. Cure my father, cure my mother, cure my sister. Or else I haven't got properties, then somebody says, my husband treats me, or some wife says that, so the husband says that. It's go on and on and on.
forget it. You are now above everything, above all these things. And you have become absolutely powerful. Believe me. If you haven't used your power, then how will you know what powers you have got? It's as simple as that. Those who have used it, go on telling me what miracles they had, what things have happened to them, how they were protected, whatever they wanted, how they got it. But see, in Sahaja Yoga, you cannot be hypocritical. If you have hypocrisy, Sahaja Yoga knows, the Divine knows you are a hypocrite. It is for your good, for your growth, you have to be in Sahaja Yoga. It's not for somebody else that you are doing it, but for yourself. When people are that powerful, I am amazed how they easily they can get cured. But they must meditate and they must join collective meditation. Most of the people don't join collective meditation. I'm surprised. I know. Sometimes, say in Delhi, there is no sufficient space. So people have to come twice, either Saturday or Sunday. Some of them have to wait outside. Doesn't matter. But going for the collective meditation, you'll be amazed that divinity is flowing there. Vibrations are flowing there. I am there. It's not that you are just going there as a ritual. The problem is you people don't realize that you have to be responsible for Sahaja Yoga, responsible for giving realizations to others, and attend all the programs you have of meditation. With collective meditation, you get all right. All your problems are solved if you go to the collective meditation regularly, I promise you. But the problem is you won't go, you will write letters to me, you want to meet me. This is not going to help. You may come and trouble me like that or do something like that, but doesn't help. What helps? That you help yourself. Next year is going to be a great year for you. In the West town, I was surprised how things are spreading fast. In Russia, the people are so deep. Once they get realization, they understand the value of realization. They are so humble and so deep, they don't want anything. They have never desired for it. Though they have gone through horrible problems of communism and now this reaction to that. Despite that, all these five countries, which I call as real divine countries, because the way they have accepted, they are poor according to the modern standards. But from their heart, they are very, very rich. From their understanding of Sahaja Yoga, they are very, very rich. And their scientists are so well qualified. In every type of thing now, there is one scientist who has come to India and who has discovered a method by which you can see all the chakras and the kundalini and the obstructions and everything. Something he can show you. Well, our scientists are busy opposing me. Little knowledge is very dangerous. They don't want to see what I am doing, how I am doing. They just want to criticize me, also call intellectuals. Especially in Maharashtra, the intellectuals I think are something gone wrong with their heads. They cannot understand surgery. Just beyond them. What has happened to them, I don't know, but they just can't understand surgery.
And these Maharashtrians are so busy with their rituals. 4 o'clock in the morning they'll get up, take their baths, do this, then start doing their pujas, this, that. Now somebody got sick. So his wife writes to me, we didn't go to any temple, we didn't do any rituals, still my husband has got sick, imagine. As if doing by that means, you are your sahyogi. If you are a real sahyogi, then nothing can happen to you, but you have been just under wrong impression. Whether you go to temple or whether you go to wrong places and do all kinds of rituals, it has never helped you. So first you have to empty yourself. If you are already filled with these ideas, these age-old ideas, and you are still carrying on with them, how can the divine be filled? If there's a pot already full of water or anything, you cannot fill it. So you have to empty each cup. Empty yourself. Empty your mind. It's possible through Sahaja Yoga if you can take your Kundalini beyond Akasha. By not reacting. Reaction is the worst thing, because reaction comes through your Akasha, as I told you the other day, and it is due to your conditioning or due to your ego. So some people react because of their conditioning, and some people react because of their ego. So why should you react to it? Why don't you enjoy by not reacting? Just watch, see how beautifully they have made beautiful flowers. Just enjoy it. What is the need? Some will find some faults. Somebody will say, this should not have been there, how did they manage these, all kinds of nonsensical things. The joy of its creation is there, and you should be able to see it, feel it, enjoy it. Then you are a sahyogi. Otherwise you are not. If you are a reacting type, you cannot be a sahyogi. अपने चित्त को पूर्ण रूप से अपनी आत्मा में बाएं हृदय में अनुभव करेंगे और इसे सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा के गुणों को अपने अंदर भरने देंगे। आत्मा के गुण सत्य चित्त और आनंद अजर अमर आत्मा निराकार आत्मा निर्विकल्प आत्मा शाश्वत आत्मा मृत्यु और जन्म से परे आत्मा इस शरीर से परे आत्मा रिश्ते नातों से परे आत्मा अपने चित्त को पूरी तरह से बाएं हृदय में महसूस करेंगे अब धीरे धीरे अपने चित्त को अपनी बाईं नाड़ी में रखेंगे लेफ्ट हैंड खुला हुआ राइट हैंड पृथ्वी पे बाईं नाड़ी में सबसे पहले मूलाधार में चित रखेंगे
निर्मल गणेश जी को महसूस करेंगे। चित्त को उठाएंगे बाएं स्वाधिष्ठान पे, सब अशुद्ध इच्छाओं को विलुप्त होते महसूस करेंगे। बाएं भवसागर में कुगुरुओं का नाश होते हुए महसूस करेंगे। श्री महाकाली श्री भैरवनाथ निरंतर कार्यरत है बाई ओर के हर चक्र पे। गृहलक्ष्मी बाई नाभि महसूस करेंगे। पूरा चित्त बाई नाभि पे चित्त को उठाएंगे बाएं हृदय में रखेंगे। आत्मा के समस्त शत्रुओं को नष्ट होता हुआ महसूस करेंगे। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर सबसे दूर है ये आत्मा। चित्त को उठाएंगे बाएं विशुद्धि में, विष्णु माया जी को महसूस करेंगे। निर्दोष है हम पूर्ण त्यान दोष। बाएं आज्ञा पे चित्त रखेंगे। मस्तक के दाईं ओर बाईं आज्ञा भगवान महावीर हमारे सब कुकर्मों को रिजॉल्व कर रहे हैं। कुंडली जागरण से एक बार पूरा चित्त बाएं मूलाधार से बाएं आज्ञा तक फिराएंगे। श्री महाकाली भैरवनाथ को महसूस करेंगे और आकाश में फेंक देंगे सारी अशुद्धि। एक हाथ से पृथ्वी में जाती हुई और चित्त से आकाश में विलुप्त होती हुई सारी अशुद्धियां बाईं ओर की। अब राइट हैंड खोलेंगे, लेफ्ट हैंड आकाश की ओर करेंगे। चित्त को दाएं स्वाधिष्ठान पे रखेंगे। पिंगला नाड़ी में पूरा चित्त माँ सरस्वती श्री हनुमान जी के कार्य को सहायता देंगे। अपने चित्त के माध्यम से दाया स्वाधिष्ठान शीतल होता हुआ, चित्त शीतल होता हुआ आप ही करता आप ही भोगता है माँ। आप ही चंद्रमा है आप ही हिमालय है माँ। मेरे दाएं स्वाधिष्ठान को शीतल कर दीजिए। सब आपके हाथ में है माँ, सब सरेंडर करती हूँ आपको। हर समस्या हर बाधा विघ्न
मैं करता नहीं हूं, मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं दुष्ट हूं। अपने चित्त को निर्मल करेंगे, एकदम शांत करेंगे दाएं स्वाधिष्ठान, चित्त को उठाएंगे दाएं भवसागर में, सदगुरुओं का स्थान, दाई नाभि श्री राजलक्ष्मी, पूरा चित्र रखेंगे। दाएं हृदय में चित्र रखेंगे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के श्री चरणों में, हमारी मर्यादाओं को पूर्ण रूप से हमारे अंदर स्थापित कीजिए प्रभु, आपके जैसा बनाइए। सुख या दुख में सदैव आपने अपने कर्तव्यों का पालन किया, हमें भी ऐसे ही डिटेस्ट बनाइए। श्री माता जी आप ही साक्षात श्री सीताराम हैं, मेरे दाएं हृदय में जागृत हो जाइए। चित्त को उठाएंगे दाई विशुद्धि में, महसूस करेंगे शुद्धि को, विट्ठल रुक्मणी बहुत ही शीतल दाई विशुद्धि, दाई आज्ञा पे चित्त लाएंगे। भगवान बुद्ध मस्तक के बाएं हमें अहंकार से मुक्त करते हुए, अब अपने चित्त को एक बार पूरे दाएं स्वाधिष्ठान से पिंगला नाड़ी में दाएं आज्ञा तक उठाएंगे, स्वच्छ करेंगे पूरा मार्ग। दोनों हाथ नीचे गोद में, चित्त को रखेंगे रीढ़ की हड्डी के अंदर पूरी तरह से बीचों बीच में ब्रह्म नाड़ी में, मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, नाभि चक्र, हर चक्र को महसूस करते जाएंगे। पूर्णतया गतिमान है चक्र, मध्य हृदय विशुद्धि, मध्य आज्ञा, सहस्त्रार, पूरा चित सहस्त्रार के अंदर, सभी चक्रों की सीट सिंहासन जागृत है। नमन करेंगे माँ को, माँ के श्री चरणों में बैठेंगे, सब कुछ सरेंडर करेंगे और चित्त को आकाश तक ले जाएंगे और आकाश से परम चैतन्य बरसने देंगे। शुद्ध करेंगे अपने आप को परम चैतन्य में,
दोनों हाथों में, पैरों में, कंधों में, कानों में, ब्रह्म रंध्र में परम चैतन्य को महसूस करेंगे। परम चैतन्य बरस रहा है, भीग रहे हैं जैसे वर्षा हमारे ऊपर निरंतर हो रही है। भीग जाएंगे इस वर्षा में, चित्त को अंतरिक्ष और शून्य सरोवर तक ले जाएंगे। श्री सदाशिव, प्रतीक्षा कर रहे, हमारे वरण की वरण करने को सच है। धीरे धीरे परम पिता में समाते जाएंगे। समा जाएंगे पूरी तरह, समाते जाएंगे परम पिता के भीतर। समाएंगे, पूरी तरह से समाएंगे। धीरे धीरे चित्त को बाहर निकालेंगे, परिक्रमा करेंगे शिव शक्ति की और फिर से समा जाएंगे। चित्त को बाहर निकालेंगे और फिर धीरे 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 प्रार्थना करेंगे। कर चरण प्रतंबा काय जम करम जम्बा श्रवण नयन जम्बा मानसम वा अपराध विहितम विहितम वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। नमन करेंगे, धन्यवाद करेंगे योग के लिए। धीरे धीरे अंतरिक्ष में आएंगे, आकाश में आएंगे और आकाश से पूरे विश्व में परम चैतन्य बरसा देंगे। धरती, जल, वायु, अग्नि, आकाश, इनसे निर्मित सभी प्राणी, जीव जंतु और मनुष्य उनके ऊपर परम चैतन्य फैलाएंगे। पूरे विश्व में, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, सब जगह परम चैतन्य बरस रहा है, सबके अंदर जा रहा है, सबके अंदर जा रहा है।
धीरे 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 परम चैतन्य को सबके ऊपर बरसने देंगे, अपने चित्त को अपने परिवार पे लाएंगे, सबके ऊपर बरसा देंगे परम चैतन्य, पति पत्नी बच्चे सबके ऊपर बरसा देंगे, सभी निकट जन सभी निकट जन चित्त को लाएंगे सहस्त्रार पे श्री माता जी के श्री चरणों, सब कुछ सरेंडर करेंगे, सारा कार्य ये परमेश्वरी आप ही करता आप ही भोगता, आप ही करता आप ही कर देता, मेरा समस्त कार्य आपके श्री चरणों में समर्पित है मैं। आशीर्वादित करें मेरे हर कार्य को श्री गणेश, निर्विघ्न करें मेरे हर कार्य को नमन करेंगे श्री माता जी। महसूस करते रहेंगे श्री माता जी को हर पल हर वक्त हर क्षण हमारे भीतर हमारे अंदर हमारे सहस्त्रार में आपकी कृपाओं के लिए अनंत कोटि नमन, आपके आशीर्वादों के लिए अनंत कोटि नमन, हम सदैव आपके श्री चरणों में रहे ध्यान करें और करवाएं, आपके ध्यान में रहे आपके साथ हर पल हर वक्त हर क्षण रहे, आप हमें सदैव अपने चित्त में हृदय में रखें। प्लीज कंट्रोल माय हार्ट, प्लीज कंट्रोल माय हार्ट, प्लीज कंट्रोल माय ब्रेन, प्लीज कंट्रोल माय ब्रेन, प्लीज रिसाइड इन माय हार्ट, प्लीज रिसाइड इन माई ब्रेन। धीरे धीरे अपने चित्त को बाएं हृदय मिलाएंगे और छोड़ देंगे बाएं हृदय, नमन करेंगे शिव पार्वती, जय श्री माता जी। आज के ध्यान को यहीं कंक्लूड करेंगे, जय श्री माता जी। जय श्री माता जी, जय श्री माता जी, सबको जय श्री माता जी, जय श्री माता जी, जय श्री माता जी, जय श्री माता जी, जय श्री सभी को। माँ की अमृत वाणी समझ में तो आई, लेकिन एक बार आप फिर से रिपीट करते हो मधु जी, दो तीन बार सुनिए, एक बार आप है ना, फिर एक दिन अमृत वाणी का रखते। जय श्री माता जी, 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 सभी को जय श्री माता जी, जय श्री माता जी, जय श्री माता जी, थैंक यू श्री माता जी, जय श्री बहन भाइयों को जय श्री माता जी। अलका बेटा आज इतना सुंदर एड़ा पिंगड़ा
नाड़ी क्लियर हुई है, सभी चक्र इतने सुंदर चैतन्य से भर चुके थे, और आज जो चैतन्य की बारिश ऊपर से हो रही है, पूरा सहस्त्रार गीला हो रहा है मेरा। अभी तो नीचे जब उतर के आए हैं तो टच हो गया था हाथ ऐसे ही, और पूरा गीला हुआ पड़ा सहस्त्रार। इतनी चेतन की वर्षा, इतना शांत हुआ है सब कुछ कि बस पूछो मत। आज तीनों नाड़ियों पे बहुत सुंदर वर्क हुआ है, और सिवाय इतना ही कहूंगी कि निरानंद 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 श्री माँ आपको ऐसे ही ब्लेस करें, और आपके द्वारा आपके साथ चलते हुए हम सब लोग इस ब्लेसिंग का पूरा आनंद उठाएं। थैंक यू माँ, थैंक यू बच्चा, जय श्री जय श्री माता जी। मधु जी ध्यान से सुनिएगा, माँ हमेशा यही कहती हैं कि मैंने आपको सहयोग की शक्तियां दी हैं, तो आप इसको आगे बढ़ाएं, नहीं तो ये शक्तियां विलुप्त हो जाती हैं, नहीं तो व्यर्थ है माँ का आशीर्वाद। तो आगे सहयोग देना, ठीक है, उसका संक्षिप्त यही था। और आप बार बार सुनिए तो और आनंद आएगा, ठीक है। बहुत लोग हैं जिनको इंग्लिश समझ नहीं आती थी, इसी बहाने उन्होंने बार 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 सुना, उनके चक्र भी स्वच्छ होते गए और उनको इंग्लिश भी आ गई। माँ की कृपा सब पे बनी रहे, जिसको जो चाहिए उसको वो मिलता रहे, इसी आशा उम्मीद और प्रार्थना के साथ आज के ध्यान को यही विराम देंगे। जय श्री माता। और ग्रुप पर भी तो डालते हैं हम लोग अमृतवाणी, ये बता दीजिए ना आप उनको, ग्रुप पर है कि नहीं? वो है, वो तो है, ग्रुप पर भी है। और वो सुन लेना, उनको ये पता होना चाहिए कि वो सुन सकती हैं दोबारा। हम लोग ग्रुप पे डालते हैं, आप उसको सुन लिया करें, ध्यान दें ग्रुप के ऊपर, है ना। अपना जब तक हम मानेगा साधक को मिलेगा सब, जिनको जातिन पाइया गहरे पानी बैठ, नहीं तो किनारे पे ही तू बैठ। ऐसा है, कबीर दास जी ने कहा है कि यदि आपको चाहिए आप गहरे पानी में छलांग लगाएंगे और पा लेंगे। तो थोड़ा सा अपना एफर्ट से हमारी कुंडली शक्ति बड़ी प्रसन्न होती है, बहुत ही प्रसन्न होती है। आप ये प्रयास करें, ट्राई करें, फिर मुझे बताएं, ठीक है। माँ की जय श्री माता जी। अलका बेटा, मैं मधु जी से कहना चाहूंगी कि मैं एक ऐसा पर्सन हूँ इस उसमें ग्रुप में कि जब ये इंग्लिश की अमृत वाणी पढ़ती थी तो मैं कहती थी बेटा क्यों इंग्लिश की लगा देते हो, मुझे तो इंग्लिश आती नहीं है। पर धीरे धीरे आज ये स्थिति है क्योंकि सहस्त्रार से ही सुनना है, और श्री माँ की इंग्लिश इतनी इजी वाली होती है कि जब वो हम समझना चाहते हैं तो वो समझा देती है। और आज की डेट में मैंने कभी भी अब अलका से नहीं कहा कि बेटा आप इंग्लिश में मत लगाया करो, हिंदी वाली लगाया करो। आज पूरा आनंद आता है। तो मैं मधु जी आपसे यही भाषाएं हैं, आप हमें वाइब्रेशंस पकड़नी है। भाषा देखिए, ब्रह्मांड में बहुत सारी ध्वनियां हैं। आपने 98.3 FM चैनल लगाया तो आप उसके गाने सुन सकती हैं, आपने 93.5 लगाया, आपको ट्यूनिंग करनी है, आपको ट्यूनिंग करनी है किसी भी चीज की। उस ध्वनि को आप अपने सहस्रार से डीकोड कर लेंगी। सहस्रार एक कंप्यूटर है, कोई भी भाषा, हिंदी इंग्लिश तो छोड़िए, बहुत सरल भाषाएं हैं, कितनी भी कठिन भाषा हो माँ की वाणी से आ रही है, आपका सहस्रार कनेक्टेड है, आप उसको डीकोड कर लेंगे वाइब्रेटरी लेवल पे। तो हमें अपना वाइब्रेटरी लेवल बढ़ाते हैं, वो कैसे बढ़ेगा, माँ के वचन बार बार सुनने से सहस्रार खुलता चला जाए, ठीक है। थैंक यू दीदी, थैंक यू श्री माता जी, थैंक यू मधु, जय श्री माता जी, जय श्री माता जी, सभी लोगों को जय श्री माता जी।